आम आदमी पार्टी प्रयागराज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद माटी के कार्यकर्ताओं साथ मिलकर बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का जायजा लिया और बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की कार्यकर्ताओं ने करेली, गौसनगर, गड्ढा कॉलोनी और करैला बाग जैसे मोहल्लों में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। लोग घर से बेघर हो गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने और उनकी टीम ने उन सभी क्षेत्रों में खाना और दवाइयां बांटने का काम किया। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, चूंकि इलाहाबाद में कई जगहों पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गई है जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो गए हैं, लोगों का पूरा पूरा घर डूब गया है, तो आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग राहत देने के लिए सभी घरों में खाना पहुंचाने के लिए गए थे और वहां पर देखा लोगों का आधा आधा घर कम से कम डूब गया है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ये सिलसिला निरंतर हम लोगों का चलता रहेगा, जब तक ये बाढ़ है तब तक हम लोग खाना और दवा जनता तक पहुंचाते जाएंगे ताकि लोगों की दिक्कतों को हम लोग कुछ राहत दे सकें। अफसोस की बात ये है कि अभी तक हम सरकार की तरफ से कोई बड़ी राहत इन जगहों पर नहीं आई है जिसकी वजह से हम लोग ने जो देखा तो इसमें काफ़ी कुछ कमियां पाई, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जल्द यहां पर से राहत भी देगी ताकि यहां पर के लोग जो परेशान हैं करेली में, करैलाबाद में, उनको राहत मिल सके।